आंखें खोलूं तो वो दिखे, बंद करूं तो और दिखे। जरूर बनाने वाले ने मुझे और शहजादी को एक ही धागे से बुना होगा। पहली मुलाकात में पहचान लेगी अलादीन, नाम तो सुना होगा, पर शहजादी नहीं है मेरी जिंदगी का पहला प्यार। मेरी जिंदगी का पहला प्यार तो मेरी अम्मी है, जिन्होंने जिंदगी पर ताने से कि उनका पति था एक कत्ता। मेरे पति थे एक नेक बहादुर, करेंगे साबित सबको वो गलत। आएंगे अच्छे दिन लौट के फिर से, मानो वक्त गया हो पलट। ना मैंने वफादारी छोड़ी ना जज्बा, खाक में मिला दिया अपना परिवार। कांप उठेगी रूह सालिमों की जब इंसाफ करेगी उमार की तलवार। एक सरफिरा आशिक, एक लाडला बेटा, तो क्या बस यही है मेरी पहचान? अजी गौर से देखिए इन इश्तिहारों को, क्योंकि काला चोर भी है मेरा नाम। अब क्या बोलूं, मेरे लालची चाचा चाची ने मुझे जाल में फंसा लिया था, होश संभाला तो जाना कि मुझे काला चोर बना दिया था। गुर्दा बिक जाए, कलेजा फट जाए, चाहे खिंच जाए चमड़ी, फिर भी नहीं जाने देंगे अपने हिस्से की दमड़ी है। बाय मेरा बाय अलादीन। जीते से फूटती सोने का जमीर और सर पर मेरी प्यारी मम्मी का हाथ, पर मेरे लिए तो मेरी खुशियों का एक ही मतलब है, शहजादी यास्मीन का साथ। हाय, मैं शादी के मुताबिक। तो क्या यही होने वाली है मेरी दास्तां का सफर? आज असली पेज तो अब आएगा आपके सामने, क्योंकि रोड बनने आ रहे हैं काले दिल वाले वजीर सफर। आसमां से लेकर जमीन तक जल्द चलेगा राज हमारा, यास्मीन भी हमारी होगी, बगदाद का ताज भी होगा हमारा। फौलाद के हैं बाजू दोनों, शोला सीने में आग सा है, तख्त मिलेगा इंतजार जादुई चिराग का है। आई थिंक हम लोगों ने पहले चंद्रनंदिनी साथ में किया, तो वो वहाँ पर लाइक आई गॉट टू नो सिद्धार्थ, तो उस टाइम से हमारी स्क्रीन पे जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी लगी ऑडियंस को, तो इसलिए हम लोग वापस आ रहे हैं एज अलादीन एंड यास्मीन साथ में। ओके, अलादीन और यास्मीन की कहानी बहुत पहले से चली आ रही है, तो आप लोगों ने अपने किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की और मतलब डायरेक्टर की तरफ से क्या ब्रीफ था और थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं? हमारी वर्कशॉप चली फॉर वन वीक, हम लोग ने अपने अब तक अपने कैरेक्टर पे काम किया है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप सबने मुझे ऐसा इंटेंस में ही देखा होगा ज़्यादातर, एंग्री यंग मैन ऐसा करके, बट ये थोड़ा अलग कैरेक्टर है मेरे लिए भी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको पोर्ट्रेट करने में। सो हम दोनों की वर्कशॉप चली दो महीने लाइक टू मंथ्स के लिए, नॉट टू मंथ्स सॉरी टू वीक के लिए, दिस इज़ आवर बॉन्डिंग कन्फ्यूज्ड। सो टू वीक से हमारी वर्कशॉप चली थी, और जब मुझे अलादीन के कैरेक्टर को फर्स्ट टाइम ऑफर आया तो मुझे लगा कि अलादीन इज़ जस्ट लाइक मी, खेलता कूदता मस्ती करता हुआ, तो मुझे ये कैरेक्टर का सोचना नहीं पड़ा। सो आई जस्ट से यस। आपने भी कनेक्ट किया अपने आप से यास्मीन? आई प्लेड अ प्रिंसेस बिफोर दिस, जैसे आप लोग जानते चंद्रनंदिनी ने था, तो वहाँ पर लाइक एक प्रिंसेस का थोड़ा डिफरेंट था, बट यहाँ पर शी इज़ अ वॉरियर प्रिंसेस। सो यास्मीन के कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करने के लिए हैड टू डू मेनी थिंग्स, लाइक ऑब्वियसली लाइक दैट सेड वर्कशॉप्स हुई, हमें अपनी एक्सेंट्स पे यू नो थोड़ा ध्यान देना पड़ा, उर्दू इसमें हम लोग थोड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए करना पड़ा, मेरी बॉडी लैंग्वेज पोस्चर, हॉर्स राइडिंग, आई लर्न सो मेनी थिंग्स एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई लर्न ऑल दीज थिंग्स। अलादीन एक ऐसा नाम है जो सबने ही सुना होगा किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि सबने कभी ना कभी ज़िंदगी में चाहा है कि अलादीन वाला जीनी हमें भी मिल जाए और हमारी भी विशेज़ ग्रांट हो जाएँ, तो ऑफकोर्स
जब भी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत पॉपुलर रही हो उसको रीमेक किया जाता है या रिहैश किया जाता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज यू हैव टू लिव अप टू सर्टन एक्सपेक्टेशंस. इसलिए बहुत मेहनत की गई है इस शो पर टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड मेक इट न्यू. मतलब अलादीन तो है ही, कहानी तो है ही, वैसी ही है जैसा था जो है, बट फिर भी उसमें इतना अलगपन है कि ऑडियंस विल रियली इन्जॉय वॉचिंग द शो. जहाँ तक मेरे किरदार का सवाल है तो अगर जिन लोगों ने अलादीन देखा है उनको पता होगा कि अलादीन की अम्मी का कोई कैरेक्टर एज सच है नहीं ओरिजिनल में. सो येस, दिस इज़ द स्टोरी दैट वी हैव एडेड टू द मेन स्टोरी ऑफ अलादीन कि जो अम्मी का किरदार है वो अलादीन और माँ का जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज उसको माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है. माँ के साथ ही वो रहा है, उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ है और उसकी माँ की पूरी दुनिया अलादीन है. सो whatever he wants to achieve in life is finally to make his mother happy.